नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। हिमपात में पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड, मैदानी इलाकों में शीतलहर ने किया परेशान। आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जताई गई। तो कुल्लू में 2.5 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट, कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मैदानी इलाकों में भी शीतलहर ने परेशान किया है और आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना भी जताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां लगातार ठंड का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है और ऐसे में मैदानी इलाकों में शीतलहर ने परेशान किया है। तो आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना भी जताई गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां कुल्लू में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तो कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो शिमला में 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। वहीं बिलासपुर में 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। कुल्लू में 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं शिमला में भी 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और ऐसे में जहां लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, तो वहीं ठंड से लोगों का भी हाल बेहाल है। ऊंचाई वाले जगहों पर आज हिमपात की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं कुल्लू में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना भी जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने परेशान किया है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया और ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा तो लेते नजर आ ही रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ती ठंड की वजह से जहां धुंध और कोहरे की भी चादर छाई हुई है, ऐसे में यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह वहां पर जो है लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं? किन्नौर जिला की बात करूं तो किन्नौर जिला में आज सुबह से ही जो है मौसम जो है खराब चला हुआ है। तापमान की बात करें तो तापमान 0 से नीचे चला गया है। पीने के जल स्रोत भी लगभग सभी जम चुके हैं। ऐसे में किन्नौर जिला में जो है पीने के पानी की समस्या भी लगातार बनी हुई है। जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 फिलहाल बहाल है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल जो सड़क संपर्क मार्ग है वहां पर जो है अब सड़क जो है जमने लगी है, जिसमें वाहनों के टायर भी अब फिसलने लग रहे हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, जिस प्रकार से मौसम जो है बदल रहा है, उससे जो है पहाड़ों पर अब हिमपात शुरू हो चुका है। ऐसे में जो है निचले इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और पर्यटकों की जो आमद है वो धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो लोग जो है साहसिक गतिविधियों के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन किन्नौर प्रशासन ने खासकर इस बार जो है पहाड़ों पर जो है ट्रैकिंग व दूसरे गतिविधि जो साहसिक खेल है, जैसे स्की खेल होता है, उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया है क्योंकि हाल ही में जो है किन्नौर जिला में एक हादसा हुआ था। जी बिल्कुल अनिल, और ये भी जानना चाहेंगे मौसम विभाग द्वारा किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये समय नए साल का है और ऐसे में कई पर्यटक भी घूमने के लिए जो है प्रदेश में पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से किन्नौर जिला में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है लगातार 2 सालों से जारी रखा है और वो जो है इसी तरह बना हुआ है। हाल ही में जिला पर्यटन जो अधिकारी डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पर्यटकों को जो है फिलहाल ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग व दूसरी गतिविधियों पर सख्त मनाई की है। इसके अलावा जो किन्नौर जिला के जो स्थानीय लोग है उनको भी जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों से जो ऊंचाई वाले पहाड़ी वाले जो इलाके हैं वहां पर जाने से जो है रोक लगाई गई है, ताकि जो है ग्लेशियर की चपेट या फिर बर्फबारी में जो भी ठंडी हवाएं या पैदल मार्ग जो जम जाते हैं उसमें किसी के फिसलने से जानमाल का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है, कितनी फायदेमंद ठंड उनकी फसलों के लिए बताई जा रही है?
देखिए किन्नौर जिला में ठंड का बढ़ना जो है बागवानों और किसानों के लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जिला किन्नौर एक सेब बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे में जो है चिलिंग आवर का जो समय है अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में बागवान और किसान इसी इंतजार में भी है कि बर्फबारी हो, लेकिन निचले इलाकों में जो है अभी बर्फबारी नहीं हुई है। किसानों ने जो हाल ही में अपने फसल बीजे हुए थे उस पर भी जो है सूखे की जो मार देखने को मिल रही है। लगातार जो है किन्नौर जिला के जो बागवान व किसान जो है अभी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई वाले पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो रही है, तो इस वजह से जो है पीने के जल स्रोत जम रहे हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में अब सिंचाई भी लगभग लगभग बंद हो चुकी है। जी बिल्कुल अनिल, और अगर प्रदेश की बात की जाए तो नए साल और क्रिसमस के मौके पर जहां भारी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, हालांकि अभी तक स्नोफॉल जो है वहां पर हुआ नहीं है, ऐसे में पर्यटकों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की उम्मीदें वो अब लगा रहे हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो शिमला, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार जो है पर्यटकों को जो है मायूसी देखने को इसलिए मिल रही है, इस बार जो है क्रिसमस का जो दिन था उस वक्त भी बर्फ नहीं पड़ी, और इसके अलावा जो है पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश में जो है विंटर सीजन में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी के जो है जो सफेद चादर बिछती है उस पर जो है पर्यटक आनंद लेते हैं, लेकिन इस बार पर्यटक जो है लगभग लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में जो बर्फबारी नहीं होने से मायूस दिख रहे हैं, और पर्यटकों का ये भी कहना है कि जब तक बर्फबारी नहीं होगी तब तक जो है पर्यटक जो है हिमाचल की ओर नहीं आते हैं, जिससे होटल व्यवसाय व पर्यटन के जो अन्य व्यवसायी जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर जो है आर्थिक रूप से। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, धुंध जगह जगह बढ़ गई है, कोहरा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में यातायात विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, किस तरह से लोगों को जो है अलर्ट किया जा रहा है ताकि जो सड़क हादसे होते हैं धुंध और कोहरे के चलते उन पर लगाम लगाई जा सके। जी देखिए जैसे ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में खासकर जो ऊपरा इलाका है जो ऊपर शिमला है वहां पर जो है सड़कें जो है और पैदल जो मार्ग है जमने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में जो वाहनों के जो है टायर फिसलते हैं, ऐसे में जो बड़े हादसे होने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन निचले इलाकों में अभी जो है कोहरे के वजह से भी जो है वाहन चालकों को जो है सड़क पर जो है सफर करने में मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में तो आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर धुंध का इतना खतरा नहीं रहता, लेकिन पैदल मार्ग और जो है सड़क संपर्क मार्ग वो जम जाते हैं, जिसके बाद लोगों को और खासकर जो वाहन चालक है उन्हें जो धूप के खिलने का इंतजार रहता है ताकि सड़क संपर्क मार्ग जो है दुरुस्त हो जाए, उसके बाद ही जो है लोग वाहनों में सफर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से आपने बताया कि अभी निचले इलाकों में जो है बर्फबारी भी नहीं हुई, और ऐसे में जहां बागवानों को भी काफी उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो ताकि जो उनके सेब के बागवान हैं उनको जो है चिलिंग आवर्स मिल सके, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है, कब तक बर्फबारी होने के आसार हैं? जहां तक मौसम विभाग की बात है, मौसम विभाग की तरफ से तो खासकर जो दिसंबर माह है उसे सूखा ही बताया जा रहा है। जो ऊपरी इलाके हैं जहां से बागवान है वो परेशान है क्योंकि इन दिनों जो है जिला किन्नौर, शिमला, रोहडू वाले जो कुल्लू मनाली वाले जो सेब वाले इलाके हैं यहाँ पर जो है प्रूनिंग का काम शुरू हो चुका है, तौलिया का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में यदि अगर सेब के बगीचे व अन्य जो खेतों में जो बिजाई की है वहां पर अगर सिंचाई की सुविधा ना हो या फिर नमी की कमी पड़ जाए तो बागवानों और किसानों को जो है परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल अनिल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे प्रदेश में रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में जैसे ही ठंड बढ़ जाती है तो कड़कड़ाती ठंड में जो है हड्डी गलाने वाली जो है ठंड हो जाती है, ऐसे में रेन बसेरों की बात करें तो किन्नौर जिला और जो ऊपरी वाले इलाके हैं यहाँ पर तो अभी तक इस तरह की जो व्यवस्था नहीं दिख रही है। निचले इलाकों में जो है अभी जो इस तरह का जो रेन बसेरा जो है उस पर जो है काम सरकार द्वारा किया गया है, और अभी भी जो है खासकर जो ऐसे जो लोग हैं जो जिनके पास रहने के लिए आशियानों की दिक्कत होती है, जो छोटे छोटे जो व्यापारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए जो है प्रशासन और सरकार जो है लगातार काम कर रही है। फिलहाल अभी इस बारे में ये नहीं कह सकते क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है, हल्की ठंड जरूर है और व्यवस्थाएं जो है प्रशासन और जो है सरकारें लगातार इस पर जो है देख रही है। जी जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल में दफ्तर बंद करने को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने तीन विधायक विपक्ष पर हमलावर हैं। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने केवल 6 महीने में ही बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर खोले हैं, जबकि
पिछले 40 सालों में 5 दफ्तर ओपन किए गए। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड पहले ही 1758 करोड़ रुपए के घाटे में है। जयराम सरकार ने बिजली बोर्ड का दिवालिया निकालने के लिए इतने सारे ऑफिस खोले हैं। सरकार ने भी काम करना शुरू किया है, मगर इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, तकलीफ हो रही है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी हार को ये पचा नहीं पाए हैं। इनका ये कहना 5 साल मिशन रिपीट हो गया है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के बारे में टिक्का टिप्पणी करें, स्वाभाविक है, इनका काम है, विपक्ष का काम आलोचना करना है। मगर हम उम्मीद करेंगे इनसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, विशेष करके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी, एक कंस्ट्रक्टिव जो है ऑपोजिशन का रोल अदा करें। अभी तो सरकार ने अपनी फंक्शनिंग शुरू ही नहीं की है। अगर हमने कुछ, हमारी सरकार ने अगर कुछ फैसले किए हैं, वो जनहित में किए हैं। जयराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, जिसमें से सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि जी जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूर्व की सरकार में, जो संस्थाएं हैं, चाहे हेल्थ की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे और सारे दफ्तर हैं, उनको डीनोटिफाई किया है। मैं आप प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आपको और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, जिसकी तादाद लगभग 900 के करीब है, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने जो है वो खोले, वो 900 के करीब है, और अधिकांश जो है वो इंस्टीट्यूशन जो खोले गए थे उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था। एक नंबर दो, वो जो पैरामीटर है किसी भी संस्था को खोलने का पैरामीटर है, उस पे ये पैमाने पे ये फिट नहीं बैठते थे। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हमने जो इलेक्शन प्रोमिसेस किए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के बिहाफ पे ये कहना चाहूंगा कि हमने जो हमारे 10 पॉइंट्स जो हमारे घोषणा पत्र में है, उनको हम पूरा, हमारा सबसे पहला जो वायदा था ओपीएस वाला, जिस दिन हमारी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक होगी, उस दिन फर्स्ट डे जो फुल कैबिनेट होगी, कैबिनेट तो बन चुकी है, ऐसा नहीं है चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दे कंप्राइज द कैबिनेट, मगर जिस दिन हमारी फुल कैबिनेट बनेगी, उस दिन हमारा फर्स्ट डिसीजन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया जाए। हमारी हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो पेपर को बेचने वाला इशू है, उसमें भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और भाजपा के लोग जो है हल्ला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो जो पेपर है, होने से पहले ही जो कल्प्रेट्स थे जो पेपर बेच रहे थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा है। हम बधाई देंगे पुलिस को, हम बधाई देंगे CID को, जिन्होंने तुरती फुर्ती में जो है वो एक्शन लिया है, और ऑल द पीपल हैव बीन अरेस्टेड। मगर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका कांगड़ा में जो पेपर लीक हुआ था, जो वो पेपर जो है वो बैठाए हुए थे प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाए हुए थे 2019 में आपके पेपर लीक हुआ, आपके पुलिस का पेपर जो है वो पुलिस का पेपर 10-10, 12-12 लाख रुपए में बेचा गया, और आप सरकार तो तब जागी, भाजपा की पूर्व सरकार तो तब जागी जब इंटरव्यू भी हो गया, पेपर भी बिक गए और रिजल्ट निकलने की तैयारी थी। इट वॉज द फेलियर ऑफ द प्रीवियस BJP गवर्नमेंट, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों बेरोजगारों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है। बापटा साहिब में पुलिस टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में बापटा साहिब में ओवर स्पीड के चलते सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस ने 2 सप्ताह में व्यापक अभियान चलाकर 147 वाहन चालकों का चालान किया है। दरअसल पुलिस को पिछली कुछ चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं के विश्लेषण से ये पता चला कि अपराधी बिना नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त सुखू सरकार की ओर से जनहित में लिए गए तमाम फैसले से दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है, जिसके चलते नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता
सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि देश भर में कांग्रेस की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व घबरा गया है और देश में भारत जोड़ो यात्रा को कोरोना जैसे विश्वव्यापी आपदा से जोड़कर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को देखकर राहुल गांधी से बीजेपी घबरा गई है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है ये एक बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त करने की तर्ज पर ये काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो 574 कार्यालय निकाले गए थे, जो कि आनंद फानंद में कार्यालय खोले गए थे, उनका जो बोझ था वो बोझ हिमाचल प्रदेश की सरकार पर था, उसको कर्ज मुक्त करने का ये प्रयास है। ये बहुत ही जल्दी आप आम जनता को ये समझ आएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने आनंद फानंद में जो ये फैसले लिए थे, ये जन विरोधी फैसले थे। भारतीय हैंडबॉल संघ की ओर से राजस्थान के डिडवाना में 11 से 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है 44वीं जूनियर अंडर 20 राष्ट्र महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हिमाचल प्रदेश की जूनियर महिला टीम को चयन बिलासपुर के कहलूर खेल परिसर में हैंडबॉल मैदान में किया गया। इस चयन प्रक्रिया के आधार पर चयनित खिलाड़ी बिलासपुर में ही प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल संघ के टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर परवेश शर्मा ने बताया कि इस ट्रायल में कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और शिमला आदि जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये ट्रायल्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की जूनियर गर्ल्स टीम के लिए करवाए जा रहे हैं और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो बच्चे नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप राजस्थान के डिडवाना में है 11 से 15 जनवरी तक, तो उसके लिए जो है ये ट्रायल है और इसमें जो है कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और शिमला, ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो ट्रायल के लिए आए हुए हैं। तो 16 लड़कियाँ जो हैं हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे, बाकी 8 बच्चे जो हैं वो स्टैंड बाई रहेंगे। तो 9 तारीख को इनको जो है पार्टिसिपेशन के लिए इस चैंपियनशिप में जाना है। जिला पुलिस के नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पांवटा साहिब में एसआईयू की टीम ने सूचना के आधार पर 12 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त बरामद कर आरोपी से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है कि कहां से चूरा पोस्त आया जाता है, इसकी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जयराम ठाकुर को मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 14 विधानसभा के लिए होंगे नेता प्रतिपक्ष। प्रोटेम स्पीकर चंद कुमार ने दी मान्यता। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, जयराम ठाकुर को मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 14वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष होंगे। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 14वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष होंगे जयराम ठाकुर। विधानसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है और ऐसे में वो विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष होंगे। प्रोटेम स्पीकर चंद कुमार ने ये मान्यता दी है। तो बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जो है जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जल्द ही विधानसभा का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र जो कि धर्मशाला में आयोजित होना है, उसको लेकर भी तैयारियां जो है वो चल रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली में थे और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद अब शिमला जो है वो पहुंचे हैं और उनके आने के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम तक बैठक जो है सचिवालय के भीतर वो करते नजर आए, अधिकारियों से राय लेते नजर आए कि अब कब जो है ये शीतकालीन सत्र जो है आयोजित किया जा सकता है। इसको लेकर जो बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि 4 से 6 तारीख के बीच ये कभी भी सत्र जो है आयोजित किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आज क्योंकि
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इनको जो है विधायक दल का नेता जो है वो भाजपा ने चुना था, लिहाजा विपक्ष के नेता के रूप में जो है इनका चयन जो है वो कर लिया गया था। और उसके बाद आज विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी एक अधिसूचना जो है वो जारी की है, जिसमें इनको मान्यता जो है वो यहाँ पर दी गई है कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अब उनको मान्यता यहाँ पर दी है। कुल मिलाकर इस बार कई तरह के मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं, लेकिन इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर भी जो है वो भाजपा बिल्कुल तैयारी जो है पहले से ही कर रही थी, और दमदार नेता के रूप में जो है अब जयराम ठाकुर को विधानसभा के भीतर जो है आवाज उठाने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरह से पहले उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाली, अब बतौर नेता प्रतिपक्ष वो 14वीं विधानसभा में मौजूद रहेंगे, किस तरह के जो है प्रतिक्रिया बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिल रही है? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है वो लगातार जोश और उत्साह बना हुआ है कि अब एक ऐसा दमदार नेता जो कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाल चुके हैं, कई मुद्दों को ले भाजपा पहले से ही उग्र नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत से ऐसे यानी 500 से ज्यादा ऐसे बड़े संस्थान जिनको भी नोटिफाई जो है वो यहाँ पर किया गया है। ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से नाराजगी जो है इस बाबत जताई जा रही है, और ये लगता है कि आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष एक मुद्दा जो है बनाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब फटाफट अंदाज में रुख कर लेंगे हिमाचल की खबरों का। हमीरपुर में बड़ा आवारा कुत्तों का आतंक, 6 साल की बच्ची को बनाया निशाना, बीते दिनों 8 साल की बच्ची पर किया था जानलेवा हमला। हमीरपुर में कोरोना ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, कोरोना के प्रति एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की लोगों से अपील। प्रदेश में कई संस्थान हुए डीनोटिफाइड, जिसको लेकर कुल्लू की 3 पंचायतों में धरना प्रदर्शन जारी, ग्रामीणों ने मामले पर डीसी से की मुलाकात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजीव किमटा ने की प्रेस वार्ता, बोले वित्त विभाग से मंजूरी वाले संस्थान नहीं होंगे बंद, प्रदेश में बीजेपी नेता फैला रहे भ्रम। दो मंजिला मकान में भीषण आग लगने से ठंड के मौसम में पीड़ित परिवार हुआ बेघर, विधायक केएल ठाकुर और उनकी पत्नी पूनम ठाकुर ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता। एसएचओ राकेश रॉय ने बद्दी पुलिस थाने के नए कप्तान के रूप में संभाला कार्यभार, बोले नशा तस्करी पर कसेंगे शिकंजा। स्वास्थ्य विभाग ने कम्युनिटी हेल्थ वर्करों को रही जांच, जिला स्तर पर 65 अभ्यर्थियों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त, गश्त के दौरान 25 लीटर अवैध शराब बरामद, माफी की तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली का आगाज, पूर्व सरकार की ओर से खोले गए विभिन्न विभागों के सरकार संस्थानों को बंद करने के आदेश पारित। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने शराब की भट्टी में लगभग 800 लीटर लहन किया नष्ट, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।